नमस्कार, आप देख रहे हैं निक्सवे नवाज। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी बंपर जीत के साथ सरकार बनाने जा रही, दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनाने के आसार नजर आ रहे और बीजेपी बाजी मार ले जाएगी इसके आसार नजर आ रहे हैं। यहाँ हालांकि कांग्रेस और बीजेपी में क्लोज फाइट चल रही है। कांग्रेस तेलंगाना में सरकार बनाने जा रही है तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी उम्मीदें नहीं छोड़ी। इस बीच केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि सोमवार 4 दिसंबर को शीतकालीन शुरू होने वाला है और इस सत्र में ऐसे में अगर विपक्ष संसद को फिर से बाधित करता है तो उसे आज आए नतीजों से भी बुरे परिणाम वहां पर भुगतने पड़ सकते हैं। वहीं केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने रविवार को कहा कि जैसा कि संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार को शुरू हो गया वाला, वहीं केंद्रीय संसदीय गृह मंत्री प्रहलाद जोशी ने रविवार को कहा कि जैसा कि संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार को शुरू होने वाला है, अगर विपक्ष संसद को बाधित करता है तो उन्हें सबसे खराब परिणाम का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष संसद को बाधित करता है तो उसे आज आए नतीजों से भी बुरा परिणाम का अंदाजा भुगतना पड़ सकता है। इसके साथ ही उन्होंने बड़ी चेतावनी दे डाली कांग्रेस की कि कांग्रेस अब संसद सदन की जो मर्यादा है उसका बनाए रखे और कोई भी अड़चन यहां पर पैदा न करे। गौरतलब है कि 4 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलने वाला शीतकालीन सत्र हंगामेदार होने के आसार। सत्र में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोहित्रा से जुड़ा क्वेरी में बदले कैश आरोप पर आचार समिति की रिपोर्ट पेश की जाएगी। पहले पत्रकारों से बात करते हुए जोशी ने केंद्र सरकार के सभी मुद्दों पर चर्चा की और इसके लिए तैयारी की है, लेकिन इसे नियमों पर प्रतिक्रियाओं का पालन करते हुए किया जाना चाहिए, इस बात की भी बड़ी हिदायत दे दी। और ऐसे में दर्शकों आपको बता दें कि प्रहलाद जोशी ने बड़ा ऐलान कर दिया और प्रहलाद जोशी के इस ऐलान से कई बड़े जो वादे हैं यहाँ सामने निकल कर आते हैं। और आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है, ऐसे में महुआ मोहित्रा का जो इस वक्त केस चल रहा है उसको लेकर भी कई टिप्पणियां होने वाली हैं। जहां निशिकांत दुबे ने महुआ मोहित्रा पर सवाल जो है उठाए हैं कि संसद के अंदर वो पैसा लेकर सवाल पूछती हैं और इसके पीछे जो एक बिजनेसमैन है उनका नाम बताया गया था, और ऐसे में हीरा नंदानी जो वो बिजनेसमैन है उनको लेकर कई अटकलें लग रही हैं। और ऐसे में प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस को बड़ी चेतावनी दी है कि महुआ मोहित्रा वाला केस होगा उस पर अगर मिलकर इन्होंने कोई टीका टिप्पणी करने की कोशिश की, इन्होंने संसद की मर्यादा को हनन पहुंचाया, उसको बाधित करने की कोशिश की, तो जिस प्रकार के चुनाव के परिणाम इनको खराब मिल रहे हैं इससे खराब परिणाम इनको उस वक्त मिलेंगे जब ये सदन के अंदर फालतू की बातें करेंगे। दर्शकों देखना होगा कि जिस प्रकार से प्रहलाद जोशी ने ये बड़ी चेतावनी दे डाली है तो अब संसद सदन के अंदर प्रहलाद जोशी क्या कदम उठाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए अब देखते रहिए नेक्स्ट।